सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डीसीयू मिल लिया जी, थारे एडीसीयू मिल लिया। माने तो की कोने नहीं, माने तो के दियो थे जाके वीडियो मिलियो, वीडियो में दे दी एक बारी तो उखड़ गयो, भी बाद में जे ही एचडीओ आगे रे ने दूसरा साल करवा दिया। इंटे ये लगा रहे हैं, इंटे सागी लगा रहे हैं जी, ये वे टूटी पड़ी जी, वे देख लो आगे और मट्टी मट्टी गिर रखी है जी, बेकड़ा रेत लिया के गिर रखी है खेत में, पत्थर नजर नहीं आ रहा है जी, पत्थर डालेड़ा ही नहीं है जी। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, इस समय मैं मौजूद हूँ डवाली खंड के गाँव बनवाला में। क्या नाम है जी आपका? सुखविंदर जाखड़ है जी। तो क्या है पूरा मामला? ये मामला है जी, तीन मेड़ की इंटियां लगा रखी है, आईएस मार्के की इंट कोनी जी, समझे जी, और ना ही रोलिंग हुई, रोलिंग हो गई होती तो बढ़िया, इंग में वजनदार कोई चीज जा ले कोनी ने, समझिया, वो गवन को ही सारो मामलो है, गवन करनो सब है, सरपंच आनो ही रह गयो, प्रतिनिधि है सरपंच खुद तो आज ताई आयो ही कोई ढाई साल खन, महिला सरपंच है बिल्कुल जी, प्रतिनिधि ही सारी कार्रवाई करने लग रही है। नहीं तो आपका आरोप क्या है कि इसमें निम्न स्तर की जो टाइलें हैं वो यूज हो रही हैं? बिल्कुल जी, ये दो नंबर की है जी, पीसा बनाने खातर लिया रखी है, तीन मेड़ की टाइलें हैं जी, अच्छा अलग अलग है जी। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जी आई एस मार्के ही लगे इन, बढ़िया तौर तरीकों उगाड़ सदा मार चीज है जी, बढ़िया बनावा इन्हें ताकि बढ़िया लगे, और सारा घरांगी जखी है बिंगी निर्माण पानी को बरसात के लिए वो बहुत बढ़िया निकले जी। आपका क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह डुड्डी जी। महेंद्र सिंह डुड्डी, तो ये क्या मामला क्या है पूरा, ये कई तरह की टाइल है, ईंट तो कई क्वालिटी घटिया लगा जी, सख्त साथ रेत तो बहुत ज्यादा गिरे, पत्थर कम गिरे जी। तो क्या लगता है आपको, बड़ा घोटाला? इसमें घोटाले घोटाले पूरे शक है जी, माने पूरा शक है जी। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार है जी। तो ये आप बता रहे थे कि जो ये जो चौक है ये काफी ऊंचा बना दिया? हाँ जी, ऊंचा बना दिया, एक बार इसको तुड़वा कर दोबारा मनवाया हमने, और फिर भी ये लेवलिंग नहीं है, डेढ़ फुट का एक सिरे से दूसरे सिरे का डेढ़ फुट का फर्क है, और गांव की जो गलियां हैं, जो मेन गलियां, उनका निकासी का पानी है वो नहीं निकलेगा है, और गंदा पानी ये एक स्थान पर इकट्ठा होगा, अगर बरसात आती है तो बड़ी दिक्कत होगी जी गांव वालों को। ये आप ईंट है क्या? ये अलग अलग है क्या? अलग जी, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो ईंट है इसकी मोटाई काफी कम है और इसकी मोटाई ज्यादा है, इंटरलॉकिंग टाइलें हैं दोनों ही, तो ये दोनों ही टाइलें हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। तो ये दोनों तरह की टाइलें यूज की गई हैं? हाँ जी, तीन प्रकार की ईंटें हैं जी। अच्छा, तीन तरह की, ये तो आप बता रहे हैं, ये सही है। हाँ जी, ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों के ऐतराज के बाद ग्राम पंचायत ने एक गली के निर्माण को लेकर के आई एस आई मार्क का टाइल मंगवाई है, लेकिन जो ये यहाँ लगनी चाहिए। आपका क्या नाम है जी? स्वास, स्वास, स्वास। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग गली के लेवल में आज मांगा ही है ये, इसको पूरा उखाड़ के, हाँ उखाड़ के, उखाड़ के दोबारा बनाया जाए। हाँ। जी, आपका क्या नाम है जी? रोहतास। तो आपने ये चश्मा क्यों लगा रखा है? बस ऐसे ही शौकिया तौर पे। हाँ, तो क्या क्या कहना है आपका? ये अब दोबारा दूसरी गली बन रही है जी, उसका लेके आए ये आई एस मार्क का, और यहाँ पे जो कर्मचारी आते हैं उनको ये ईंट दिखा देते हैं भी, ये देखो जी हमने ये लगा रखी है, कोई भी अफसर आता है कैसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, कोई सही तरह से काम नहीं करवा रहा है। अमरजीत है जी। कौन अधिकारी बना रहा है इसको? अधिकारी तो वीडियो ऊपर से चेक करने आते हैं, वो सही जाँच नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, JSDO है जी, पंचायती राज। हाँ जी, ये सोगान इस गली के लेवल जाने का बात नहीं थी क्या? नहीं, ये इसी के लेवल जाना चाहिए था। अब हमारे मकान है ये, आज बरसात हो जाती है चार उंगल तो ये नाली पास पानी पास करेगी, हमारे मकान तो टूटेंगे डूबेंगे। हाँ, पानी इधर जाएगा। या पंचायत का कोई मछली पालन खोलने का विचार है तो वो बताओ। तो कहीं ना कहीं ये व्यंग है आपका भी, मछली पालन पंचायत कर सकती है भी, कम से कम लेवल इसका ठीक है। हाँ, भाई लेवल तो अब एक फुट की ऊंचाई कर दिया है, आज बरसात चार आंगला आ जाए तो हमारा मकान ना गोके हाल है, जमींदार आदमी है, मकान को रोज तो कौन गले। मैं सरपंच सुमन कासनिया बनवाला से हूँ, जो पहले मैं इंटरलॉक सड़कें गलियाँ बनवाई थी तो वो हमारे पास नवंबर से स्टॉक पड़ी थी, वो स्टॉक की हुई थी, वो हमने गलियाँ बनवाई है, आगे जो लगाएंगे जनवरी में आएगी वो ISI मार्क का गलियाँ सभी ईंटें लगाई जाएंगी। जो गांव के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, गांव के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वे सब झूठे हैं, और हम आगे से हम आई एस मार्क का ईंटें ही लगाएंगे। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा 23 के लिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।